हेलो एंड वेलकम टू मोम्सी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल सैंडविच। इस तरीके के सैंडविच बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ताज़ी मलाई ली है 5 से 6 चम्मच। खीरा, गाजर और पत्ता गोभी को आप घिस लीजिए और साथ में थोड़ी सी टोमेटो सॉस। इसके साथ आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ले लें और एक सैंडविच के लिए आप 3 स्लाइस ब्रेड के लें। तो सबसे पहले हमने ब्रेड स्लाइस को गोल टुकड़ों में काटना है, तो आप एक ग्लास ले लीजिए और उसे इस तरह से दबाकर इसको कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये गोल कट हो जाएंगे। इसी तरह से आप तीनों ब्रेड के पीस आप काट लीजिए। गोल पीस काटने के बाद अब हमें इनके ऊपर एक एक करके मलाई लगानी है। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, पर बच्चों को मलाई बहुत पसंद आती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मलाई का यूज़ किया है। ताज़ी मलाई लें और तीनों पीस पर इस तरह से लगा दें। मलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर। मलाई के साथ काली मिर्च पाउडर नमक बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसे हम स्पाइसी नहीं बना रहे हैं। काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, तो अब इसके ऊपर डालेंगे सॉस। यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस ली है मीठी वाली, और इसे इस तरह से आप राउंड शेप में फैला दें। तो इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हमें इसके ऊपर घिसी हुई गाजर डालनी है। गाजर को बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ आप इसे फैला दें, और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, गाजर और खीरा, इन तीनों का टेस्ट इस सैंडविच में बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे अगर सब्जियां नहीं पसंद करते तो आप इस तरह से भी उन्हें आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा पीस रखने के बाद अब खीरा डाल दें और इसके ऊपर भी थोड़ी सी गाजर, और तीसरे वाले पीस से इसे आप ढक दें। तो ये आपका सैंडविच तैयार हो गया है। पर हम बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे जिससे कि बच्चे खुश हो जाएंगे। तो गाजर के 2 टुकड़े काटिए, इस तरह से इसकी आईज और नोज़ बना दीजिए, तो बच्चे इसे देखते ही खाने को मांगने लगेंगे। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को खुश कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।